भैया वैसे एफएड में लाइट सही हर तरफ लग रही है, आपने लाइट क्यों लगाई? ये मैं अपने मुंह के लिए ना लाइट लगी हुई है। एक लाइट बल्ब लगा रहे हैं हमारे बाइक की जो सीट है वो भी उतर जाती है, ये फैसिलिटी है हमारे पास ये भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, सब ठीक ठाक हैं? तो आज मेरा व्लॉग 102 है। तो ये है कि अभी सरफराज के पास चलते हैं। आप ये सोचते होंगे यार हर बार सरफराज ही व्लॉग में आता है, आए सारे हैं लेकिन ज़्यादातर जो आया व्लॉग में पिछले 100 वालों में भी सरफराज था। तो मिर्ज़ा साहब भी बड़े आते थे व्लॉग में, चलो अल्लाह उनको कामयाब करे, वो तो चलेंगे यूके। मिर्ज़ा साहब अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो मैं कहता हूँ आपको बड़ा मिस किया जा रहा है इधर। तो ये कि पहले उसको कॉल करते हैं फिर चलते हैं। ये ना कल गया था जिस तरह वो अकेडमी गया हुआ था। अच्छा, सरफराज को मैंने कॉल की है और वो कह रहा है कि मैं घंटे में फ्री हो जाऊँगा। तो ये है कि अभी उसका टेस्ट भी पास आया हुआ है तो शायद उसी के लिए ये दिन को जाता है 3 बजे और वापस आता है 7 बजे, 6:30 या 7 बजे आता है। तो अभी 4:30 बज चुके हैं तो तकरीबन 1 घंटा लगेगा उसको। अच्छा जी, मैं सरफराज के पास आ गया हूँ और ये है कि ये भी फ्री हो गया है। तो अभी देखते हैं क्या सीन है। अभी कॉल लगा हुआ है, कॉल कर रहा है। बारिश की वजह से यह है कि मौसम फिर फिट हो गया, ये घंटे में एक बार फिर बारिश हुई है, सेट का आ गया। और ये चेक कर सकते हैं गली में पानी खड़ा है अभी। सरफराज साहब आपने आज कितने बैंड लिए हैं इंग्लिश में? मैंने 9 से 10 बैंड लिए। कल आपके 9.5 थे और आज सरफराज ने 10 बैंड ले लिए हैं, आस्ता से इंक्रीज हो रहा है। तो हम इधर क्विक फूड पे आ गए, क्विक फूड पे। तो इधर से पकौड़े खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। भैया कैसे हैं? ठीक हैं भैया। पकौड़े गर्म हैं या ठंडे हैं? ठंडे ठंडे हैं ना जी। चेक कराओ ना, एक चेक कराओ फिर असा टेस्ट करने जी। गर्म देखा भैया, वैसे एफएड में लाइट सही हर तरफ लग रही है, आपने लाइट क्यों लगाई? ये मैं अपने मुंह के लिए ना लाइट लगी हुई है, रोशन दिखता है चेहरे से। एक लाइट बल्ब लगा रहे हैं आप। अच्छा, ये भी हमने ऑर्डर दे दिया है और ये कि तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेगा। ऑर्डर बढ़ा, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। मैं यार मजाक भी करता तो मायने ना किया करें आप। अच्छा जी, हमारे पकोड़े आ गए हैं और ये अभी चेक करते हैं इनको। सरफराज भाई खाएं ना आप, कहते हैं खाते वक्त फ़ोन नहीं चलाते, फ़ोन रख देते साइड पर। मैंने जैसे साइड पर रखा मैंने। अच्छा जी, तो अभी ये डिसाइड हुआ है कि बारिश भी है तो सरफराज ने बोला कि चलते हैं फिर F7 या फिर F6 चलते हैं, तो चलते हैं थोड़ा बहुत घूमते हैं, आज बारिश है। इसी चेक करें जी, हमारे बाइक की जो सीट है वो भी उतर जाती है, ये फैसिलिटी है हमारे पास ये भी। अभी ये है कि फिर चलते हैं F7। चलो जी, बाइक मैंने चलानी है। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, चेक कर सकते जी मौसम। F7 जो हो गया, हम F6 में आ गए हैं। इधर फुटबॉल खेला जा रहा है, बारिश है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, तो इधर फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आज चलते हैं फिर। और इधर फुटबॉल खेल रहे हैं और हम इधर अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो कोई रास्ता हमें मिल नहीं रहा। तो ये हमें रास्ता मिल गया, अभी चलते हैं इधर से अंदर। चलो जी, जल्दी बंद कर दें। तो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और यह कभी इधर मैच खेला जा रहा है, हम इतने पास नहीं जाएंगे। तो इधर हम खड़े होते हैं, देखते हैं फुटबॉल गेम इनकी। कुछ शूज उतार के खेल रहे हैं और कुछ शूज पहन के खेल रहे हैं। बड़ी हिम्मत है यार, सर्दी में थोड़ी थोड़ी बारिश भी है, ग्राउंड गीला है। और इसी तरह सरफराज हम खेलें 80 खिडा 100 तो दी जब छोटे होते थे 80 खिडा 100
अच्छा ये फुटबॉल हमने देख लिया अभी है कि चलते हैं मटका चाय पीते हैं। सरफराज ने चादर की हुई है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, ये चेक कर सकते हैं आप, बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो अभी जल्दी जल्दी से निकलते हैं फिर। अच्छा ये भी हम आ गए हैं सेवन और इधर से हमने पीनी है मटका चाय, और मटका चाय हमने देखी बहुत है पीनी है तो अभी सरफराज कैमरे की कर रहा है सेटिंग और हम इधर खड़े हैं अभी हाथ सेक रहे हैं, रास्ते में आ रहे थे बारिश स्टार्ट हो गई है ये हाथ सेक रहे हैं इधर। ये पहले वीडियो मोड लगाओ, अब ठीक है अब इसको जूम आउट कर ले, हो गया चल अब ठीक है। सलाम अलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मटका चाय है जी ये बताएं कि ये जो मटके हैं ये चाय के बाद हम साथ लेके जाएंगे जी? लेके जा सकते हैं सर, लेके जा, अच्छा साल लेके जा सकते हैं क्या, इसके लिए क्या पैसे ज्यादा होते हैं? नहीं नहीं कोई रेट होता है, वही रेट होता है। चलो सही है, दो कर दो आप, दो कर दो। ये अभी भाई ने मटका डाल दिया है आग में, ये गर्म होगा फिर क्या होगा हैं? इसके बाद चाय डालेंगे जी। ये चाय पका के नहीं डालते, इसको क्यों गर्म करते हो यार? वो फिर उबाले इसलिए आते। हमारी मटका जी तैयार हो चुकी है और ये कभी इसको पीते हैं फिर आपको बताते हैं कि क्या इसका इसका क्या मज़ा है और दूसरी आम चाय का क्या मज़ा है। जो घर में चूल्हे पे चाय बनती है ना, लकड़ी वाले जो चूल्हे होते हैं उसमें जो चाय बनती है ये वो चाय है, बस मिट्टी के बर्तन में हमें चाय डाल के देते हैं, मटका चाय का नाम दिया जाता है। मगर सरफराज गाँव से है ना, हमें पता है। व्लॉग में आ गए हैं, तस्वीर को छोड़ें ये व्लॉग में आ गए हैं आप। अच्छा स्क्रीन शॉट ये ठीक है? नहीं अभी ये लाइव शुरू है, ये अभी लाइव नहीं है, ये अभी व्लॉग आएगा कल। अच्छा ये आप उसमें आओगे वीडियो में। अच्छा ठीक हो गया। तो मैं किस चीज़ पर देखूँ? यूट्यूब पे।